ना हो हताश, आ रहे हैं कमलनाथ, ये कहना है कांग्रेस का। मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है और जगह जगह कांग्रेस की जीत के पोस्टर्स लगा दिए हैं। मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें स्लोगन लिखा है, जनता का दैन्य साथ, फिर आ रहे हैं कमलनाथ। आपको बता दें कि ये पोस्टर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज द्वारा लगाए गए हैं। इसमें अब्बास हाफिज ने कमलनाथ को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में कल 230 विधानसभा सीटों के परिणाम आने हैं। उससे पहले कांग्रेस कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें कमलनाथ जी को बधाई दी गई है। आइए अब्बास हाफिज जी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। जी, एक पोस्टर लगाया गया, बधाई दी गई है। आश्वस्त हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा फीडबैक प्रचंड बहुमत का है। कार्यकर्ताओं ने जो देखा है जमीन के ऊपर, आप सबने भी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो देखा वो भी यही था। कांग्रेस की सरकार बनना है, कमलनाथ जी के चेहरे पे वोट गिरा है पूरा, और भरोसे के और जो धोखा था उसके बीच में चयन था। धोखा भाजपाइयों ने दिया था सरकार में रहते हुए, भरोसा कमलनाथ जी ने जीता था। कमलनाथ जी को मुखिया बनाना जनता ने संकल्प लिया था, इसका उसी पे वोट गिरा है। और हम आश्वस्त हैं कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री कल बनने के ऊपर और कांग्रेस की सरकार बनने पे। जो खरीफ फरगोस हुई थी उससे कैसा रोका जाएगा इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से ही तैयारियों में है। उसकी तैयारी जनता ने कर दी है, जनता ने वो प्रचंड बहुमत दिया है कि कोई ऑपरेशन लोटस या बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुंजाइश नहीं बचेगी। बीजेपी के विधायक तो उनकी उंगलियों पर कल गिन लिए जाएंगे। कमलनाथ जी ने साफ तौर पे जो कार्यकर्ता है उनको क्या बोलते हैं, अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। अलर्ट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा मुकाबला भाजपा से है और भाजपा एक लोकतंत्र की हथियारी पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जाहिर सी बात है अलर्ट रहना पड़ेगा। कल हो सकता है बहुत संघर्ष करना पड़े कई जगह के ऊपर लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने अभी तक के अपना जो है मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं किया, क्या कहेंगे? भाजपा को तो अपने नेता प्रतिपक्ष चेहरा घोषित करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। जो लोग विपक्ष में जाने वाले हों, जहां साथ साथ मुख्यमंत्री की चाहत रखने वाले नेता चुनाव लड़ रहे हों, क्या करेगी भाजपा? गुटों में बटी भाजपा है, एक को डिक्लेयर करेगी दूसरा नाराज हो जाएगा। उनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको डिक्लेयर कर सके। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यालय के सामने और कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।